तो गाइज़ कैसी है मेरी YouTube फैमिली, होप करता हूँ सब बड़े होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइज़ यार आपने देखा होगा मेरे जो है ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया। तो गाइज़ रीज़न ये था पीछे, तो गाइज़ मेरा जो है छोटा सा क्रैश हो गया। ये गाइज़ आप देखो यहाँ पे लगी, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। तो गाइज़ आप बाइक की कंडीशन देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट क्रैश हो ही गई है। देखो गाइज़ यार यहाँ पे ये जो हैंडल है ये टूट गया है, एंड पीछे का मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं गाइज़ आप, टोटल मतलब काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है बाइक का। तो गाइस चलते हैं फिर शोरूम में, इसको दिखा के आते हैं क्या क्या सीन रहता है इसका, क्या नहीं। सो गाइस कराएंगे इसको ठीक, चलते हैं फिर करते हैं ब्लॉग स्टार्ट यहाँ से। सो गाइस लेट्स गो फिर। गाइस यार जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तो मैं होप यही करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आगे से ये जो ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ एंड नेक्स्ट टाइम हमारे से नहीं हो। तो गाइस अब जो है मैं प्लान किया, मैंने प्रॉपर जो राइडिंग गियर्स होते हैं, जैकेट होती है, पैंट होती है, शूज़ होते हैं, हर एक चीज़ लूँगा प्रॉपर। तो गाइस तभी मैं राइड करूँगा बाइक को। तो फिलहाल इस टाइम यहाँ पे बाजू में काफ़ी सारी चोटें आई हैं, पहले भी मतलब लगी थी मेरे को। तो गाइज़ यार कुछ ऐसे ही सीन रहा यहाँ का, तो ये जो जगह है यही मैं कभी नहीं भूल सकता गाइज़ यार सीरियसली। तो गाइज़ फिलहाल इस टाइम हम आ चुके हैं दयालाचक में। तो गाइज़ फिर मारते हैं तगड़ी वाली राइड आज फिर से। तो गाइस इस टाइम मैं मतलब पहले से कंडीशन का हूँ, तो अब मैं ठीक हूँ थोड़ा। सो फिर देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। लेट्स गो गाइस फिर फॉर राइड। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो आज काफ़ी तगड़ी वाली ट्रैफिक है, तो गाइस फाइनली मेरा रास्ता तो मिला। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हीरानगर में। सो फिर देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है क्या नहीं। तो गाइस ये रही शोरूम, तो देखते हैं गाइस सामान भैया बोल रहे हैं कि सारा ही मिल जाएगा यहाँ पे, तो करा लेते हैं इसको ठीक फिर। तो गाइस यार फिलहाल एक खुशखबरी की बात ये है कि भैया बोल रहे हैं कि इसका सारा सामान जो है हमें यहाँ पे शोरूम में मिल जाएगा। सो गाइस फिर कराते हैं इसको ठीक जल्दी से, तो फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस फिलहाल हमारी लाइट आ चुकी है MR15 की न्यू। तो गाइस ये देखिए आप चेक करो। गाइस यार फिलहाल हमारी बाइक जो है पीछे से टोटली आप देख सकते हैं यहाँ से रिपेयर हो चुकी है। तो गाइस यार काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को सीरियसली, एंड अब आगे का वर्क रहा थोड़ा सा, मिरर डलाने वाला रहा एंड एक दो छोटा मोटा काम रहा, बाकी कम्प्लीटली हमारी बाइक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारी बाइक का मिरर लेफ्ट वाला। तो गाइस ये रहा मिरर। तो गाइस ऑलमोस्ट बाइक जो है हमारी रेडी हो ही चुकी है। तो गाइस यही मेरा ये राइट वाला मिरर एकदम वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ से, एंड ये जो लेफ्ट वाला है इसको कराया हमने चेंज, तो ये न्यू पार्ट आ चुका है। बाकी पीछे की जो मैं बात करूँ, पीछे की फेयरिंग है जो टेल टाइडी थी वो ऑलमोस्ट फिट हो चुकी है, थोड़ा ही काम बचा है। तो गाइस फिर चलेंगे, अब जो है हमारा मिरर इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस अब ये चेक करो, बाकी बाइक जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो गाइज फाइनली गाइज हमारी बाइक जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गाइज आप ये चेक करो, लुक चेक करो बाइक की, एकदम न्यू शोरूम कंडीशन की तरह लग रही है। बस गाइज यार इसकी वॉशिंग होने वाली है बाइक की। तो गाइज आप फिर से लुक करो चेक। तो गाइज यार मैं सीरियसली कहूँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ आज, थैंक गॉड गाइज यार बाइक हमारी एकदम। गाइज यार बात करूँ मैं बाइक की इस टाइम, गाइज सीरियसली कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको राइड करने में। गाइज यार सीरियसली
बहुत ही तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। बाइक यार अपनी मतलब दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है इसके लिए। वैसे गाइस यार छोटे मोटे तो लगती रहती हैं, पर यार आज सीरियसली कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है आज सीरियसली। बाइक को ठीक होते हो गाइस, यहाँ से हमने फ्यूल अपना फिल करा लिया बाइक में। तो गाइस यार अब सीरियसली कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को इसको राइड करके। तो गाइस आपने देखा था पहले कितनी मतलब कंडीशन ख़राब थी बाइक की, एंड अब जो एकदम बढ़िया से कंडीशन हो चुकी है बाइक, जो है शोरूम कंडीशन हो चुकी है। तो गाइस यार सीरियसली कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो गाइस करते गाइस इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे। होप करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I can't believe it's true.